नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार ताई की हत्या करने वाले आरोपी भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि नगीना देहात थाना क्षेत्र के गाँव सतारवाला में बीते दिन हाजरा का शव उसी के घर में पड़ा मिला था, जिसकी जाँच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई थी। बता दें कि भतीजे द्वारा बराबर के घर में सोई हुई वृद्ध ताई को बुरी नीयत से दबोचने का प्रयास किया गया। इस दौरान ताई हाजरा नींद से जाग उठी और दरवाजे की ओर भागने लगी। इसी दौरान भतीजे ने बदनामी और इज्जत खराब होने के डर से धारदार हथियार से अपने ताई की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भतीजे वाजिद को आला कत्ल व खून से सने कपड़ों सहित त्रिलोकवाला तिराहा नजीबाबाद नगीना रोड से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। एसपी ग्रामीण रामज द्वारा घटना का खुलासा करते हुए जानकारी देते हुए बताया गया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कल प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सतारवाला गांव जो नगीना देहात का है, वहाँ एक महिला लगभग 62 वर्ष उम्र की थी, अकेले रहती थी, उसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। ये एक सनसनीखेज घटना थी, जिसके अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई थी क्षेत्राधिकारी नगीना के नेतृत्व में, और टीम ने काफ़ी मेहनत करके, प्रयास करके 24 घंटे में इस अज्ञात हत्या का खुलासा किया जो है, और इसमें जो खुलासे में आया कि इसी का सगा भतीजा, जो बगल के वाजिद नाम का, जो इसी का सगा भतीजा है और बगल ही घर में छत के ऊपर सो रहा था, रात्रि में बुरी नीयत से इसके पास आया, पहचान होने के डर से जब महिला ने पहचान लिया तो इसने जो है, और वो दरवाज़ा खोलने के लिए भागी, तो इसने उसका जो है पकड़ करके और धारदार जो हथियार से उसका जो है गला रेत दिया। और जब इसके बारे में खास संकलन किया गया तो जो घटना के समय इसके द्वारा शर्ट पहनी गई थी वो बरामद हुई, और इसके गले में जो माला पहना था उसमें महिला के बाल जो है वो मिले, और अन्य तमाम एविडेंस मिले, जिसके आधार पे इसका नाम प्रकाश में आया, इसे गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा जा रहा है और इसमें अन्य अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कारण को कुछ पता चल पाया, हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण यही था कि बुरी नीयत से वो रात में जो है, क्योंकि ये जो अभियुक्त है इसकी नशेड़ी प्रवृत्ति का है, इसकी पत्नी करीब 6-7 महीनों से आ नहीं रही है, तो रात में बुरी नीयत से महिला के पास गया जो है, लेकिन चूँकि सगा भतीजा था तो पहचान उसने लिया जो है, और पहचान में उसकी इंसल्ट ना हो इसलिए वो जो है धारदार हथियार से उसकी हत्या करते हैं। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।